राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज है फ्राइडे और मॉर्निंग में उठ के एक्चुअली गया था मैं पापा को छोड़ने गैरेज, क्योंकि हमारी ट्रक लगी हुई है गैरेज पे। हर साल की तरह इस साल भी गाड़ी की पासिंग है, सो पापा को जाना था आरटीओ ऑफिस पासिंग के लिए। सो मॉर्निंग में गया छोड़ने के पहले ही एक्चुअली बाम नहीं गया था मैं कपूर पेट्रोल पम्प के पीछे, लास्ट टाइम वहीं गया था क्योंकि गैरेज हुई तो वहीं गाड़ी खड़ी थी रात में, क्योंकि उसकी सर्विसिंग वगैरह करवानी रहती है। तो सर्विसिंग होगी थी गाड़ी की, बस हम लोग सोचे कि चलते हैं अभी। एक्चुअली हुआ यू सीनैरियो, अभी हम लोग निपट जाते हैं मेरे पापा लिटरली सही में। एक्चुअली हुआ यू कि पुराने बस स्टैंड से, मतलब नए बस स्टैंड से डाला मैंने और पुराने बस स्टैंड पहुँचा ही था। वहाँ से रेलवे चौक के पास एक ट्रक निकली जो स्लो थी, स्लो के बाद लेफ्ट राइट में पूरी कट गई। हम बोले ठीक, मैं सोचा कि ओके ठीक है लेफ्ट राइट इज क्लियर, अपना लेफ्ट साइड पकड़ के निकलता हूँ। उसने अचानक लेफ्ट घुमा दिया गाड़ी, लिटरली पूरा मतलब इंडिकेटर नहीं साइड मिरर जो है उसके पास आ गई गाड़ी। पापा ने देखे बहुत चिल्लाया जोर से, ये बोल के ऐसे, मतलब सीनियर बहुत बेकार था इतना चिल्ला। जब उसने फिर राइट डाला, वो रुकाया साइड में, बिल्कुल विलेन वाली एंट्री लगाए साइड में लगा दिए पापा ने उसको अपने स्टाइल में गाड़ी। मतलब ना वो भी मतलब पतला दुबला था, वो भी थोड़ा सहम गया देखने लगता उसका चेहरा, लेकिन ये गलत था यार। फन फैक्ट में ले लिए उसको हमने, लेकिन ये गलत था, मतलब उसका ध्यान नहीं तो हम निपटती थी ना। और खाली गाड़ी थी, यहाँ की थी नहीं, मेरे ख्याल से कहाँ की, गोंदी साइड की थी, MH 35K नंबर था। तो ये सीनारी होते होते रह गया, बस चलते हैं अभी। फिर पापा को छोड़ दिया गैरेज, पापा से निकल गए हैं चंद्रपुर के लिए, मैं निकल चुका हूँ घर की और चलते हैं घर। एक्चुअली आज आया था हॉस्पिटल एक्टिवा से, क्योंकि दीदी को जाना था कॉलेज, सो ड्रॉप करना था इसलिए लेके आया स्कूटी। सो बस अपनी इवनिंग शिफ्ट निपटा के, नहीं मॉर्निंग शिफ्ट थी, मॉर्निंग क्या, मैं गया 12 बजे और निकला 6 बजे। सो बस आफ्टरनून शिफ्ट समझ लो, इवनिंग क्या ही बोलूँ, मॉर्निंग क्या ही बोलूँ, इन बिटवीन। सो आफ्टरनून की शिफ्ट निपटा के निकल चुका हूँ घर की और, सो चलते हैं घर। और क्या ही काम है, और कुछ तो काम है नहीं, खैर अभी लेट्स गो होम और देखते हैं कुछ काम धाम हो तो। फिर काम धाम तो बहुत है लेकिन फिर भी मुझे करने हैं आज ज़्यादा, कुछ खास काम था नहीं हॉस्पिटल में, मुझे बस एक पेशेंट एडमिट किया एंड देन फाइल वाइल भर के बैठा था। फिर बाद में पेशेंट शिफ्ट करने थे, वो पेशेंट शिफ्ट कर दिए, दैट्स इट फॉर डे इन हॉस्पिटल। एक्चुअली गया था इवनिंग में बाहर नीचे, क्योंकि दो चार काम थे, थोड़े बैंक रिलेटेड थे और कुछ पर्सनल काम थे, तो वो निपटाने के लिए चला गया था नीचे। और वो सब कंप्लीट करके शिशि को छोड़ दिया उसके घर और मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग स्टेप स्टेल, मिलते हैं न्यू डे विद न्यू ब्लॉग, टिल देन बाय बाय।